नमस्कार, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की अब तक से लेकर रात तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। बताएंगे कि करके सारी खबर एकदम विस्तार से, इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बिना मत गवाए फटाफट से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी खबर। मुस्लिम देशों के साहित्य, पाकिस्तान के रिसर्च पेपर, प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर मिला चौंकाने वाला सामान। जी हां, आपको बता दें कि प्रयागराज में जुमे के दिन अटाला में हुए बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई हुई। इसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने करैली के जेके आशियाना स्थित उसके आलिशान मकान को बुलडोजर चलवाकर जमीन दोस्त कर दिया। बता दें कि दोपहर 12 बजे के करीब शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 4 घंटे तक चली। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ ही पीएससी के जवान भी मौके पर तैनात रहे। कार्रवाई के दौरान मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के करैली स्थित घर से कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। बता दें कि इनमें अवैध असलहों से लेकर पोस्टर, झंडे व अन्य कागजात शामिल हैं। बता दें कि कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं जिनमें न्यायालय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। पुलिस ने इन सभी चीजों को कब्जे में ले लिया है। अफसरों का कहना है कि इन्हें जावेद पर दर्ज मुकदमे में शामिल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लखनऊ में धारा 144 लागू, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेट किया प्रदर्शन, कई नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किए गए पार्टी नेता राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की योजना बनाते हुए लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि इस दौरान ईडी कार्यालय जा रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। कार्यकर्ताओं के विरोध पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस वैन पर चढ़ते हुए कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। साथ ही अगली बड़ी खबर, सीसीटीवी के सामने खड़े होकर लड़कों ने घरों में फेंके बम, लोगों में दहशत फैली। जी हां, बता दें कि ये खबर लखनऊ के गुड़म्बा से निकल के आ रही है। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने एक घर की कॉल बेल बजाई, महिला कमरे से निकल कर छज्जे पर पहुंची, तभी बाइक सवार बदमाश मुख्य गेट पर बम फेंक कर भाग निकले। बता दें कि धमाका होने से लोग दहशत में आ गए हैं। महिला ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अगली बड़ी खबर, फिरोजाबाद में उपद्रवियों के लगे पोस्टर, पुलिस रखेगी नाम पता, गुप्त मिलेगा इनाम। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज समेत राज्य के कई इलाकों में हिंसा हुई। इसमें यूपी पुलिस ने कार्रवाई और जांच के तहत उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं। बता दें कि अलग अलग शहरों में हिंसा में शामिल हुए उपद्रवियों को पकड़ने की कवायद जारी है। फिरोजाबाद पुलिस ने भी उपद्रवियों के पोस्टर आज जारी कर दिए हैं। पुलिस ने बताया है कि कई लोग नकाब पहनकर आए और तोड़फोड़ और पथराव किया। पोस्टर में इन्हीं की फोटो लगाकर पुलिस इन सभी के बारे में जानकारी मांग रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टर में जिन उपद्रवियों की फोटो छपी है उनकी पहचान, नाम और पता पुलिस को बताए जाएं, साथ ही पुलिस तक उनकी जानकारी पहुंचाने वाले को इनाम मिलेगा और उन उपद्रवियों का नाम और पता बताने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, डायबिटीज रोगी अब एक बार इंसुलिन लगाएं, हफ्ते भर की फुर्सत। जी हां, आपको बता दें कि डायबिटीज मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अब रोज इंसुलिन लगाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बता दें कि अब एक बार लगने वाली इंसुलिन से हफ्ते भर की फुर्सत हो जाएगी। अमेरिका में बेसल इंसुलिन के नए सॉल्ट का प्रयोग सफल हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल भारत में यह बाजार में आएगी। कानपुर डायबिटीज एसोसिएशन के पैटर्न डॉक्टर ब्रिज मोहन ने हिंदुस्तान से बातचीत में इसे साझा किया। वहीं अगली बड़ी खबर, भाजपा की होगी जिला कार्य समिति बैठक, निकाय चुनाव के एजेंडे पर लगेगी मुहर। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा उत्तर जिला कार्य समिति की बैठक आज कल्याणपुर के एक गेस्ट हाउस में होगी। बता दें कि इस कार्य समिति का मुख्य एजेंडा साल के अंत में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव में कमल खिलाने का होगा। इसके लिए संगठन स्तर पर जनता से रूबरू होने के टिप्स कार्य समिति में दिए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, उपभोक्ताओं को राहत, 1 लाख से कम बिजली बिल तो 6 किस्तों में करें अदा। जी हां, बता दें कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने घरेलू किसानों और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर एक मुफ्त समाधान योजना लागू की है। बता दें कि यह योजना 30 जून तक प्रभावी रहेगी। 1 लाख से कम बिजली बिल के बकायेदार अपना पंजीयन करा 6 किस्तों में पैसा जमा करें तो ब्याज से 100% छूट मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल की बढ़ी मुश्किलें, अब भिवंडी पुलिस ने किया तलब। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में भिवंडी पुलिस ने निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के
सिलसिले में आज बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। बता दें कि एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चेतन काकड़े ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि नूपुर के अलावा बीजेपी से निष्कासित पदाधिकारी नवीन कुमार जिंदल को भी ठाणे जिले की भिवंडी पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद ट्वीट पर 15 जून को अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। अगली बेहद बड़ी खबर, पबजी कांड में बड़ा खुलासा। बेटे ने वीडियो कॉल पर बताया था पिता को मां की कर दी हत्या। यहां बता दें कि लखनऊ में पबजी के लिए मां की हत्या करने वाले आरोपी ने इस घटना की जानकारी अपने पिता को दी थी। इस बात के खुलासे से केस और भी पेचीदा हो गया है। बताया जा रहा है कि मां की हत्या करने के बाद 16 वर्षीय लड़के ने पिता को बताया कि उसने मां को मार दिया है क्योंकि उससे मिलने को कोई शख्स आता। बताने की यहां तक कि पिता को इस बात की जानकारी वीडियो कॉल पर दी। पिता से बात करने के बाद लड़का घर के बाहर गेट पर खड़े होकर पुलिस का भी इंतजार कर रहा था। लड़के ने पिता को 7 जून को घटना की जानकारी दी थी। अच्छा, अगली बड़ी खबर, प्रयागराज हिंसा। आरोपी के घर ढहाने पर मायावती की सरकार को नसीहत। समुदाय विशेष को निशाना बनाना अन्यायपूर्ण, निर्दोष पिस रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर को स्थानीय प्रशासन द्वारा बुलडोजर से जमीन दोष करने की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा है कि समुदाय विशेष को निशाना बनाकर बुलडोजर से विध्वंस करना एक द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा है कि न्यायपालिका को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस व अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय व आतंक का जो माहौल बना रही है यह अनुचित व अन्यायपूर्ण है। साथ ही अगली बड़ी खबर, असली और नकली दवा पहचानने के लिए लगेंगे QR कोड, मिलेगी दवाई की सारी जानकारी। जी हाँ, बता दें कि सरकार ने दवा बनाने में प्रयोग होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पर QR कोड लगाना जरूरी कर दिया है। बता दें किसी फैसले के तहत ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने भी 300 दवाओं पर QR कोड लगाने की तैयारी कर ली है। जानकारों के मुताबिक इससे दवाओं के दामों में पारदर्शिता आएगी और कालाबाजारी पर लगाम लग सकेगी। बताने की जिन दवाओं को QR कोड के लिए चुना गया है उनमें पेन किलर्स, विटामिन के सप्लीमेंट, ब्लड प्रेशर, शुगर और कंट्रासेप्टिव दवाएं शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर, इजराइल के प्रतिनिधि मंडल से मिले मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश के विकास में मिलेगा सहयोग। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनके 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन के नेतृत्व में इसराइल के एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। बता दें कि भेंट वार्ता के दौरान इसराइल के राजदूत ने हालिया विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी की अभूतपूर्व विजय पर उन्हें बधाई दी, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने आभार ज्ञापित किया है। आपको बता दें कि वार्ता के दौरान राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि इसराइल और भारत के बीच मजबूत सामरिक संबंध है। उत्तर प्रदेश के साथ हम कई क्षेत्रों में अच्छे सहयोगी की भूमिका में है। निकट भविष्य में इसराइल रक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, किसानों को पानी के बेहतर उपयोग, बुंदेलखंड में पेयजल उपलब्धता और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सहयोग करने जा रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर विवादित बयान देने पर यति नरसिंहानंद को नोटिस। जी हां, बता दें कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को पैगंबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के संबंध में नोटिस जारी हो गई है। बता दें कि SDM विनय कुमार ने यति नरसिंहानंद को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस प्रकार की टिप्पणी की वजह से क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होने और शांति भंग होने का खतरा है, इसलिए इस मामले में महामंडलेश्वर स्वयं उपस्थित होकर कारण बताएं कि क्यों ना आपको शांति बनाए रखने के लिए 1 वर्ष के लिए पाबंद करने के साथ ही 10 लाख की जमानत राशि जमा कराई जाए। अगली बड़ी खबर, ईडी दफ्तर से बाहर निकले राहुल गांधी, 3 घंटे से अधिक हुई पूछताछ। जी हां, बता दें कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। बता दें कि वहीं कांग्रेस पार्टी के समर्थक देश भर में प्रदर्शन करके इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकले हैं और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के सत्याग्रह मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए पार्टी नेताओं से मिलने के बाद
तुगलक रोड पुलिस स्टेशन से निकली है। अगली बेहद बड़ी खबर, यूपी में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी, अब तक 325 आरोपित गिरफ्तार। जी हाँ, बता दें कि भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा ने 8 उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को अपनी जद में ले लिया है। बता दें कि हिंसा फैलाने वाले पत्थरबाजों पर पुलिस की कार्रवाई तीसरे दिन यानी आज भी जारी है। पुलिस आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब तक पुलिस 325 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, दाल की कीमतों में भारी उछाल, जाने अरहर व चना समेत अन्य दालों के रेट लिस्ट। यहां बता दें कि लगातार गिर रही दाल की कीमतों में 3 से 4 रुपए किलो की तेजी के साथ दलहन बाजार स्थिर होते हुए अपनी पुरानी दरों पर पहुंच गया है। बताने की 94 रुपए किलो बिक रही अरहर दाल 97 रुपए किलो पहुंच गई है। इसके अलावा मटर छोला समेत सभी के दामों ने उछाल ली है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एडीजी बरेली की सख्त चेतावनी, जोन के किसी भी जिले में प्रदर्शन करना पड़ेगा महंगा, होगी कड़ी कार्यवाही। जी हां, बता दें कि 17 जून को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन के ऐलान को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बता दें कि स्पष्ट कर दिया है कि बरेली के साथ जोन के सभी 9 जनपदों बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर और बिजनौर में धारा 144 लागू है। ऐसे में प्रशासन से अनुमति प्राप्त किए बिना धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। यदि किसी ने प्रदर्शन करने की कोशिश की तो आयोजक व प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यूपी मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और अगर आप यूपी मौसम जानकारी पर पहली बार आए हैं तो रोज की ऐसी ताजा अपडेट के लिए यूपी मौसम जानकारी को भी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।